नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। लाडनू में SDM रामावतार कुमावत ने बिना मास्क वालों के लगाई फटकार, फकाटे चालान। लाडनू में मास्क नहीं लगाने वालों की अब नहीं खैर। उपखंड अधिकारी रामावतार कुमावत ने आज 12 बजे अचानक प्रशासन के साथ बस स्टैंड पर आकर सबसे पहले प्राइवेट बसों को किया चेक। बस में बैठी सवारियों के काटे चालान, बिना मास्क के ड्राइवर व कंडक्टर के भी काटे चालान। साथ ही साथ कहा कि अब की बार कोई भी बस चालक सवारियों को बिना मास्क ले जाएगा तो वह बस सीज कर दी जाएगी। उसके बाद उपखंड अधिकारी रामावतार कुमावत, लाडनू CI मुकुंद बिहारी मीणा, लाडनू नगर पालिका अधिशासी ब्लॉक चिकित्सक अधिकारी मूलचंद चौधरी व उपखंड कार्यालय का स्टाफ, पुलिस जाब्ता सहित लाडनू के बाजार में बिना मास्क वालों के दर्जनों लोगों के चालान काटे, जिससे लाडनू में पूरे बाजार में हड़कंप। वहीं बाइक चालक बिना मास्क के इधर उधर प्रशासन को देख चोरी छुपे भागने लगे। आज की इस कार्रवाई में लाडनू शहर में मास्क की बिक्री दुगनी हो गई है। वहीं बस स्टैंड पर ठेले वालों को भी इस टीम ने कड़ी चेतावनी देते हुए मास्क का प्रयोग करने के लिए कहा। अगले ही क्रम में हाई टेंशन लाइट में शॉर्ट सर्किट होने से लगी आग, करीब 115 मण की कड़वी जलकर हुई राख। जी हाँ दोस्तों, बड़ौदा में कस्बे में समीवर्ती गांव चोलाई काबास में सार्वजनिक स्थल पर ग्रामीणों के रखे हुए करबी के पुर्जों में ऊपर से जा रही 11,000 केवी की लाइट में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से मंगलवार शाम करीब 7 बजे अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि गांव में अफरा तफरी मच गई। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, ग्रामीणों के आधार पर करीबन 6,070 बीघा की कड़वी 115 मन कड़वी में आग लग गई। ग्राम बड़ौदा मेयो चौलाई के पास में आज प्रशासन की लापरवाही से करीब 60-70 बीघा की कड़बी, करीब 1500 मण कड़बी जल के राख हो गई है। और हमने प्रशासन को काफ़ी बार अवगत कराया है कि हाई टेंशन लाइनें बहुत ही लूज हैं पूरे गांव में, आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से, विद्युत विभाग की फुल लापरवाही की तरफ से गाँव में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है विद्युत विभाग की तरफ से। मेरा नाम तमेंद्र चौधरी है, बड़ौदा मेयो। सर, जो आप आज आए हैं चोलाई के पास में जो आग लगी है, इसके बारे में आपका क्या कहना है, आपने क्या देखा है? तकरीबन 8 बजे के आसपास मुझे स्थानीय किसी व्यक्ति के द्वारा फ़ोन किया गया और बताया गया कि ग्राम पंचायत बड़ौदा में गांव चोलाई के पास में आग लग गई है। मैं आधा घंटे में नायब साहब को लेकर के साथ में यहाँ पहुँचा। बीच में मैंने नायब तहसीलदार बड़ौदा मेप से बात की, उनसे संपर्क किया, उन्होंने वो लगातार पुलिस और प्रशासन के साथ में कोऑर्डिनेशन बनाए हुए थे। मैंने मौके पर आके देखा, अग्निशमन केंद्र को, अग्निशामक केंद्र जो था उसको भी हमने फ़ोन कर दिया, वो भी टाइम पर यहाँ पहुँच गया। तकरीबन जैसा कि बात हुई, ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 1500 मन के आसपास जो कुट्टी है बाजरे की कड़ी जो है उसमें नुकसान हुआ है, उसका मौका पर क्या बना लिया है, जो भी आगे विभागीय कार्रवाई होगी वो करेंगे। जो दो फूल फेंके हैं यहाँ से, बहुत कोशिश करिए आग है। 20 मिनट लेगी लेकिन तो 20 मिनट अजी नॉन भजन